लीजिए, मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। चीज़ तवा पुलाव के साथ कॉम्बिनेशन कुछ भी बनाना होगा तो मैं आज बनाने जा रही हूँ चिकन 65, जो कि मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। तो चलिए देखते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स। ये है चिकन 65 के इंग्रेडिएंट्स जैसे मैं बनाती हूँ। ये है चिकन, ये 250 ग्राम चिकन है बोनलेस। इसको मैंने पीस छोटे छोटे पीसेस में से कट कर लिया है। फूड कलर, सोया सॉस, करी लीव्स, चॉप्ड गार्लिक थोड़ा ज़्यादा लगेगा, भुनी हुई तिल, मैदा, ये कॉर्नफ्लोर मेरे पास मैदा था, एक अंडा, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, मिक्स मसाले, आप इसको अलग अलग भी यूज़ करते, मेरे पास मिक्स है तो मैंने मिक्स यूज़ किया, ग्रीन चिली सॉस, टोमेटो केचप, गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी चॉप्ड धनिया पत्ती, नमक, तेल। तो चलिए हम बनाते हैं अपनी चिकन 65। सबसे पहले हम डाल देंगे चिकन के पीसेस, फिर हम इसमें डालेंगे ये मिक्स मसाला, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक ध्यान से डालना होगा हमको, बाद में हमको ग्रेवी में भी यूज करना है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसमें डालेंगे मैदा, हम इसमें डाल देंगे ये अंडा, अच्छे से हम मिक्स करके इसको एटलीस्ट हम 10 मिनट के लिए यूं छोड़ देंगे। आफ्टर 10 मिनट्स मैं आपको बताना भूल गई थी कि इसमें फूड कलर भी मिलाना है, हम थोड़ा फूड कलर भी मिला लेंगे इसमें। और मैंने ये तेल गर्म करने के लिए रख दिया है कढ़ाई में, गरम हो चुका है और इसको हम मीडियम हाई फ्लेम पे यूं फ्राई करेंगे। कढ़ाई को ओवर क्राउडेड नहीं करना है ताकि अच्छे से फ्राई हो सके, उसको पूरी तरीके से फ्राई करने के हमें स्पेस मिले। इसको पलट देंगे और इसी तरीके से सारे चिकन के पीसेस को मैं फ्राई कर लूँगी। लीजिए देखिए, अब मैंने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब हम इसकी बनाएंगे ग्रेवी, मतलब कि आगे का प्रोसेस करेंगे हम इसके साथ। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। कढ़ाई में तेल गरम है, बचे हुए तेल में हम डालेंगे चॉप गार्लिक, इसमें ज़्यादा जाएगा, सारा गार्लिक हम इसमें डाल लेंगे। तो
ब्राउन करेंगे थोड़ा, जैसे ये हल्का सा रोस्टेड टाइप हो जाए। ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, बड़े खाएंगे तो ऑब्वियसली मिर्ची बर्दाश्त कर सकेंगे, बच्चे खाएंगे अपने हिसाब से डालेंगे इसमें टमाटो केचप। तो लीजिए अब रेडी है हमारी ये डिश चिकन 65। इसको मैंने रोस्टेड सेसम सीड यानी तिल के साथ गार्निश किया है और चॉप धनिया के साथ। तो रेडी है अब ये मैंने आज बनाया है कॉम्बिनेशन तवा पुलाव के साथ। तो लीजिए आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि मेरी बनाई हुई दोनों डिशेस आपको पसंद आई होंगी। योर कमेंट्स आर रियली वैल्युएबल टू मी, प्लीज़ कमेंट और बताइए कि मेरी आप बनाई हुई दोनों डिशेस आपको कैसी लगी। इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सारे बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे, एंजॉय अटे पार्टी हार्ड।